हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 11 फरवरी 2024 को आरओ एआरओ का पेपर है, तो इससे संबंधित बात कर लेते हैं। कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। तो जो अभ्यर्थी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बात को ध्यान से सुने। जीएस का पेपर होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से ही आप कट ऑफ बढ़ा सकते हैं अपनी। हिंदी में हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको गलत ना करें और निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान दें, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आप ज़्यादा के चक्कर में निगेटिव कर देते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन और माइनस हो जाते हैं। तो उसका विशेष ध्यान दें, निगेटिव ना करें। तो हम सर्वे कर लेते हैं, जो पिछली कट ऑफ रही है 2014 की, 15 की, 17 की, क्या कट ऑफ रही है, उस रिलेटेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में जानेंगे। तो 2013 में जो कट ऑफ थी 148 गई थी और 2014 में 142 गई थी। आप देख रहे हैं कट ऑफ कम हो रही है। और 2016 में 124 थी, 2017 में 122 थी। तो आप देख रहे हैं 148 से 142, 129, 122 कट ऑफ कम हुई है। तो इसका विशेष ध्यान दें। जो इस बार की कट ऑफ रह सकती है, तो इस बार की कट ऑफ जो रहेगी वो 130 से 140 के बीच रह सकती है। तो आपको इतना करके आना है निगेटिव के बाद। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में 55 कर लीजिए क्वेश्चन और जीएस में 130 क्वेश्चन कर लीजिए। आपने कुछ गलत भी किए तो मान लीजिए निगेटिव हटाने के बाद आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिए हिंदी में, और हिंदी में 50 सही किए, मान सकते हैं जीएस में हर कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप ज़्यादा के चक्कर में जीएस में विशेष ध्यान दें, गलतियाँ ना करें। तो जीएस में आप 130 जैसे आपने किए तो आप उसमें 100 या 90 सही कर सकते हैं, तो आपके 140 150 हो जाएंगे। तो कट ऑफ 130 से 140 की समथिंग रहेगी। तो आज तो आपको 130 140 के बीच करके आने हैं। कट ऑफ 130 140 के बीच जाएगी तो आप मान के चलिए आपको कितने लाने हैं। आप कोशिश करिए कि आप 170 180 या 160 इतना कर सकें, क्योंकि जब आप इतना सोच के जाएंगे तब आप 130 140 कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।